मैं इस बजट में के चर्चा में हिस्सा लेने के कारण बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। ये बजट, ये डॉक्यूमेंट जब इसके ट्रू स्पिरिट में पढ़ा जाए, दिस रिफ्लेक्ट्स, इट्स अ डॉक्यूमेंट टू इंपावर द मासेस। दिस डॉक्यूमेंट टॉक्स ऑफ दोज एरियाज इन विच so far the budgets have not been stressing upon. Education, shiksha aur swasth. Shiksha jo ki man ko ek shape up kare, aur health, swasth jo tan ko theek kare. To man aur tan dono ke theek karne ki prakriya jo Manish bhai ne इस बजट में दिखाया है, उसके लिए मैं उनका गहरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जब मन और तन दोनों ठीक हो जाएगा तो तकलीफ किसको होगी? तकलीफ उनको होगी जो धन के जुगाड़ में लगे थे। और धन के जुगाड़ कैसे कर रहे थे? वो जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और उस एक्सटेंशन में भी कहा वाटर माफिया, तीनों माफिया जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ये पॉलिटिकल नेता हैं, भाजपा कांग्रेस के जाने माने पॉलिटिकल नेता हैं, जिन्होंने जानबूझ करके शिक्षा को और स्वास्थ्य को आम आदमी से दूर रखा। और मुझे सौभाग्य है, मेरा हम सबका सौभाग्य है कि हम इसका हिस्सा हैं, कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि दिल्ली में जो सरकारी शिक्षा में बदलाव हो रहा है, उस जिससे आम आदमी को जो इंपावर करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे हानि किसका होने वाला है? उन सबका हानि होने वाला है जिन्होंने जानबूझ करके शिक्षा को भी और स्वास्थ्य को भी, जो गवर्नमेंट एजुकेशन है और जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर है, दोनों को दयनीय स्थिति में रख करके गरीबों को, दलितों को, उन सभी वर्गों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ केयर, उन सबको उन्होंने जानबूझ करके वोट बैंक बना करके रखने की ठानी थी, जो इस सरकार ने उनके सारे ऐसे प्रावधानों के ऊपर मिट्टी फेर दी। ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं ये जिस तरह के जो एक माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी, मैं और दो चार बजट पढ़ने का प्रयास किया, उसमें ये लाइनें तो नहीं मिली मुझे। द बजट ऑफ फॉर जीएनसीटी डी इज अ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम हार्ट एंड मनी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली एंड इट्स ऑनेस्ट यूटिलाइजेशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग The guiding principle of this budget is, if work is done with honesty and wisdom, then not only does it benefit the maximum people, but also results in saving of cost, reduction in expenditure, and completion of works expeditiously. उसके आगे बड़ा, चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि बड़ा जोर होता है कि जी 31 मार्च आने वाला है, सारे पैसे खर्च करो, तो एक शब्द उन्होंने उसमें अपने बजट में यूज किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मारा मारी ना हो कि जो पैसे अलॉट किए गए उसको खर्च कर दो। एक नई परंपरा शुरू की, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो रिसोर्सेज जो कि जनता के हैं, वो पैसे जो हार्ड एंड मनी है जनता के, उसका यूटिलाइजेशन, एक एक पैसा ऐसा हो रहा है इस सरकार में जो जैसा लगता है कि वो अपना पैसा हो, अपने घर का पैसा। बहुत बड़ी बात है। इनके पैरा नंबर 5 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, बड़ी प्यारी लाइन कही है और वो उसका एक पैरेलल है, फॉर अस आर इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ होली बुक, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट
जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तो हम इसकी चर्चा क्या करते थे कि जी चुनाव के लिए तो बातें कर दी कि हम 15 लाख ला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये बाइंडिंग क्यों नहीं हो सकता? तो यहां सरकार खुद कह रही है कि इट्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपुल एंड द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ भाजपा इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती है, और इस देश ने चूंकि अभी कुछ दिनों पहले ही परसों और कल दोनों जो घटना घटी देश में, भाजपा ने यू टर्न लिया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का 15 लाख के वादे के ऊपर। देश ने फिर भी सहा, भाजपा ने यू टर्न लिया ब्लैक मनी के ऊपर, देश ने फिर भी सहा, भाजपा ने यू टर्न लिया वुमेन सिक्योरिटी के मेजर्स के ऊपर, देश ने फिर भी सहा, भाजपा ने यू टर्न लिया फेडरल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर के ऊपर, देश ने फिर भी सहा, लेकिन भाजपा ने जब यू टर्न लिया पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर और ISI को भारत की धरती पर बुलाया, देश नहीं सहेगा। एक उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, एक हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो। हम खुद कहते हैं इट्स ए होली बुक, इट्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं अपने सारे साथियों को कि हम इस सरकार के हिस्से। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले मुझे याद है, मेरे पास वो चिट्ठी तो है नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले IP यूनिवर्सिटी के बच्चों ने माननीय एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट किया कि कॉलेज ने हमारे फीस बढ़ा दी। उन्होंने सिर्फ बताया और शिक्षा मंत्री महोदय ने एक कड़ी शब्दों में चिट्ठी लिखी, कहा जो बच्चों की फीस बढ़ाई है और उसके कारण जो इनका नुकसान होने जा रहा है उसके संदर्भ में आप इसको वापस लीजिए। इस तरह से दिल्ली के बच्चों के साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ट्रीटमेंट किया। दूसरी तरफ हैदराबाद में क्या हुआ, बेमुला को जान देनी पड़ी। HRD मिनिस्टर ने इतना दबाव डाला, बेमुला को, रोहित बेमुला को जान देनी पड़ी। JNU में क्या हुआ, एक तरफ वो है और एक तरफ ये है, आम आदमी की सरकार है कौन, देश देख रहा है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो आपने किया देश देख रहा है, हमारे देश देख रहा है। एक जुमलों की सरकार है और एक करने वाली सरकार है, एक करने वाली सरकार है, एक मन की बात करते हैं, एक काम की बात करते हैं। यह परिवर्तन देश देख रहा है और यह देश देख रहा है, बड़े तरीके से देख रहा है, और देश यह भी देख रहा है कि आगे करना क्या है। पंजाब की बारी आने वाली है, इनको मालूम है कि होने वाला क्या है वहां। तभी उत्तराखंड में अपनी तिकड़म लगा करके सरकार गिराने का प्रयास किया और हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी राजेश जी ने बात कही कि एक वो देश में 1% एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया, ज्वेलर्स लॉबी, ज्वेलर्स पूरे देश के 29 फरवरी, वही आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, 29 फरवरी से लगातार पूरे देश में स्ट्राइक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया कि 5% गारमेंट्स के ऊपर, 5% सूज के ऊपर वैट लग जाएगा। ये सिर्फ इंटेंट बताया था, लगा भी नहीं था। अभी इस इंटेंट को जब लोगों को मालूम पड़ा, वो अफेक्टेड लोग आए और उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हम ये करना चाहते हैं कि यूपी हरियाणा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो इक्वलाइज हो जाए वैट, और वो उनको लगा इसमें कहीं गलतियां हुई हैं। तो बड़ी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस बात को कहते हुए कि उन्होंने मिनट नहीं लगाया, कहा कि उनके रिक्वेस्ट पे हम कंसीडर करेंगे। एक हमारे वित्त मंत्री हैं और एक वहां के वित्त मंत्री हैं, उसका अंतर यही है जो राखी ने भी हिंट किया कि जो जनता चुन के भेजती है वही जनता का दर्द जानते हैं। अब जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा, थोप दिया गया देश के ऊपर,
तो कहां जान पाएंगे जनता का दर्द। अरुण शौरी कहते हैं, अरुण शौरी कहते हैं अपने एक वक्तव्य में, उन्होंने कभी कहा कि जो अभी माननीय वित्त मंत्री हैं देश के, इज ए मास लीडर विद अ मास बेस विद अ मास सपोर्ट ऑफ सिक्स जर्नलिस्ट। तो ये सत्यता है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने व्यापारी भाइयों की भावनाओं को देखते हुए इस पे विचार करने का फैसला लिया, वो काबिले तारीफ है। कल माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जब पहले कभी 1% वैट कम हुआ करता था तो बड़ी बातचीत होती थी, बहुत हर्षोल्लास होता था, मार्वल इंडस्ट्री के लोग आकर के माननीय मुख्यमंत्री को बोल गए कि आपने 12.5 से 5 कर दिया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। यह है बदलाव। कोई लॉबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार के साथ। सरकार, मुझे याद है पिछले साल माननीय वित्त मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी नेबरिंग स्टेट्स के वित्त मंत्री के साथ, उसमें फैसला लिया गया कि ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को किसी और राशि बिल बनाना पड़ता है, ये उसी का परिणाम है। मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने ये जो बजट पेश किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ वो सारे इंटेंट, मेरे पास कितना समय बता दीजिए, मेरे पास देख रहे हैं तो अब कंक्लूड करिए, मैं देख रहा हूं अब कंक्लूड करने की बारी आ गई। थोड़ा गिव मी 10 मिनट्स। नहीं, अब कंक्लूड करिए प्लीज। सोमनाथ जी की तरफ देखते ही वो समझ गया बोलने वाले, पहले टोक दिया। अरेक्ष महोदय, नहीं स्पीकर महोदय तो मेरे साथ ही, कंक्लूड करिए प्लीज। अरेक्ष महोदय, ये एक जो बजट, अगर इसको गहरे ढंग से देखा जाए, ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बहुत अद्भुत संगम है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जैसे आपका सेल्फ मीटरिंग या सीसीटीवी स्कूलों में लगाया जाना, ये सारे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं, ये उन कारणों से हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी को कटिबद्ध है। वो सारी सरकारें जो चाहती हैं कि करप्शन भी फैले और करप्ट फलीभूत हों, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करती। जिस कदर से हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी को अपने गवर्नेंस का एक हिस्सा बनाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्राइस इन्फ्लेशन पूरे देश में जो महंगाई हुई है, वादा उन्होंने किया अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम महंगाई कम कर देंगे, और कम हमने करके दिखाया। अब कंक्लूड करें सोमनाथ जी। 4.9% दिल्ली में इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू 7.8% इन चेन्नई, 7.4%। बस अब कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, कंक्लूड करिए। 7% इन द एंटायर नेशन। अध्यक्ष महोदय, ब्लैक इकोनॉमी जो देश को कमजोर करती जा रही, वादा उनका था कि ब्लैक मनी हम लेके आएंगे, और हमारी सरकार ने करके दिखाया कि जो जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी हुई, एक स्टेट एक्साइज में 31% की बढ़ोतरी हुई और 21% की बढ़ोतरी स्टाम्प ड्यूटी में हुई है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। पहली बार डबल डिजिट ग्रोथ इन तीनों क्षेत्रों में हुआ है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सोमनाथ जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 7,000 करोड़ इस बार हमने एमसीडी को दे दिया, 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा, चर्चा नहीं हुई, एक बार स्टेटमेंट जाके बाहर नहीं दिया अपने अपोजिशन के नेताओं ने, 7,000 करोड़ 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है। कम से कम दे दिया होता, थोड़ी उदारता बरतते, जाके बोलते कि जी इस बार 46,000 करोड़ में 7,000 करोड़ हमने एमसीडी को दिया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं मनीष जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ रहा है स्कूलों में, और जो मुझे लग रहा है कि 2016 एक ऐसा साल होगा जिसमें कि स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सारे वुमेन सिक्योरिटी, सारे क्षेत्रों में
जो जो कुछ दिल्ली में होगा उससे देशवासियों के मन में ये जरूर गहरा भाव पैदा होगा कि काश हमारे पास भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद 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 सोमनाथ जी, अब प्लीज सोमनाथ जी, अब नहीं सोमनाथ जी प्लीज, लास्ट लाइन सोमनाथ जी अब कंक्लूड करिए प्लीज। लास्ट लाइन आपने कल जब मानिए मुझे भविष्य में समय देते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। एक लाइन विकास का वेस्टर्न मॉडल जिसके पीछे 1000 करोड़ खर्चा कर दिया माननीय मोदी जी ने, विदेश जा करके अमेरिका कहां कहां गए, 1000 करोड़ वहीं खर्च कर दिया, और एक विकास का भारतीय मॉडल जो हमारे सरकार ने दिया है, जहां की अमेरिका और सारे देशों ने इसका वो उदाहरण देते हुए कहा कि भाई हमारे ऐसा होना चाहिए। स्वदेशी की बात वो करते थे कि स्वदेशी और विदेशी लाने का सारा प्रयत्न मोदी जी ने किया, स्वदेशी का मॉडल तो हमारे सरकार ने दिया। मैं इन शब्दों के साथ अब हो गया बस ठीक है, इन शब्दों के साथ बड़े तहे दिल से माननीय वित्त मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जो ये विजन दिखाया है इस बजट के द्वारा। देश में हर तरफ चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कब हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। और दो लाइन आखिर में जो मैंने कल दोहराया था फिर दोहरा देता हूं, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीने का मजा आता है। मनीष जी बहुत मजा आ रहा है। अब क्या मजबूरी हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नाम बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने। जिस ISI ने यह आतंकवाद फैलाया, आज उसी ISI को आमंत्रित करके कहा जा रहा है उसको कि आप जांच कीजिए। हमारी जांच एजेंसियां मर गई क्या?